सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 57 के बारे में। आज भी दोस्तों काफी शानदार मैच है और आज वाले मैच में भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना हल्का सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज वाला जो मैच है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अब जैसे दोस्तों कल वाला जो मैच था उसका मैं जब वीडियो लेके आया था तो उस वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि काफी शानदार मैच है और इस मैच से हम काफी अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, और कल वाला मैच में हमने कमाया भी है, आप सबको बताया है ना। कल वाला मैच अपना दोस्तों काफी शानदार गया था और काफी अच्छी विनिंग हमने कल वाले मैच में की थी। हाँ भाई, मेरी तरफ से आप सबको भी कल वाले मैच के लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। आई एम श्योर कि यार आपने भी कल वाले मैच में काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया ही होगा। मेरी पर्सनल विनिंग के दोस्तों जो स्क्रीनशॉट थे वो तो मैंने हमेशा की तरह कल मैच खत्म होने के बाद कल रात को ही अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए थे, वो तो खैर यार आपने अभी तक देख भी लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख सकते हो मेरे भाई, कल वाले मैच में भी मैंने 1.5 लाख से ऊपर की विनिंग की थी, है ना। और दोस्तों ये रियल विनिंग है, मैं उन बाकी चैनल्स की तरह जो है फेक विनिंग्स की बात अपने चैनल पे करता ही नहीं हूं, है ना। मैंने देखे हैं यार दोस्तों कई ऐसे चैनल जो कि ऐसा बोलते फिरते हैं कि भाई कल वाले मैच में मैंने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, कल वाले मैच में मैंने 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। जबकि असलियत ये है कि उस बंदे ने अपना भी नुकसान करवाया है और अपने सब्सक्राइबर्स का भी नुकसान करवाया है, और अब वो बंदा झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको अपने सब्सक्राइबर्स को फंसाना है। जो लोग इस मार्केट में पुराने हैं ना उनको तो इस बात के बारे में पता है, बाकी जो लोग नए आते हैं जिन लोगों को नहीं पता ना वो फंस जाते हैं बेचारे इन सब की बातों में, मीठी मीठी बातों में फिर अपना नुकसान करवाते फिरते हैं। खैर दोस्तों देखो यार मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हालांकि मैं नाम नहीं ले सकता ना यार उन चैनल्स का यहाँ पर इस वीडियो में, क्योंकि फिर जो है वो मेरे को गालियाँ देंगे कि यार ये तो नाम ले लेके एक्सपोज कर रहे हैं ना। तो खैर अपन उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना बोलूँगा कि यार फ्रॉड लोगों से आपको प्लीज़ दूर रहना है ना, दूर रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाकी दोस्तों हम तो अपनी बात करते हैं, अपना काफी अच्छा जा रहा है, कल वाले मैच में भी काफी अच्छा प्रॉफिट आया था बैक टू बैक। कल वाले मैच में ही थोड़े यार हम तो रेगुलरली काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप सबको पता है। परसों वाले मैच में भी तो मैंने 1,40,000 से ज्यादा की विनिंग पर्सनली की थी और काफी अच्छा प्रॉफिट आप सबने भी कमाया था, आप लोगों के भी विनिंग स्क्रीनशॉट आए थे मेरे पास, वो भी मैंने देखे हैं, है ना। और देखो दोस्तों ये बात मैंने आपको एक्चुअली पहले भी बोली है कि देखो ये जो फैंटेसी क्रिकेट है, ड्रीम इलेवन है ना, यहाँ पर प्रॉफिट कमाना एक्चुअली कोई मुश्किल बात नहीं है, है ना। काफ़ी आसानी से दोस्तों आप यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रह सकते हो। मैं रह रहा हूँ ना यार आपके सामने, एक जीता जागता एग्जाम्पल है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई 3-4 दिन से रह रहा हूँ, मैं तो भाई 2017 से खेल रहा हूँ ये ड्रीम इलेवन वगैरह, 7 साल से ज़्यादा हो गए। और भाई अगर पिछले 7 साल में मैं रेगुलरली यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना तो उसका कोई राज भी होगा, और है भाई बिल्कुल राज है। और राज एकदम सिंपल सा है कि भाई मैं ना बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता, मैं करता हूं मैच के ऊपर फोकस, मैच की एनालिसिस के ऊपर फोकस, और मैं करता हूं मैच की स्टडी काफी अच्छे तरीके से। इतने अच्छे तरीके से स्टडी कर लेता हूं तो मैच की जो मेरी टीम है वो अपने आप काफी अच्छी बन जाती है और काफी अच्छा प्रॉफिट मेरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं थोड़ी दोस्तों किसी की टीम कॉपी करते फिरता हूं, है ना। बल्कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि 2-3 ऐसे बड़े बड़े चैनल है जो कि फिलहाल में मेरी टीम कॉपी कर रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं रहा लेकिन वो मेरी टीम कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सबसे बढ़िया जो एनालिसिस है वो मेरी है इस टाइम पे, है ना। उसके अलावा दोस्तों मैं नहीं किसी को टीम के लिए पैसे देते फिरता हूँ कि भाई ये ले पैसे ले ले मेरे को अपना पैकेज दे दे, वो तो सबसे घटिया काम मेरे को लगता है। पेड टीम्स लेना तो भाई सबसे खराब काम मेरे को लगता है ना। मेरा दोस्तों एक ही फोकस रखता है मैच की एनालिसिस के ऊपर, आप मानो ना मानो मैच की एनालिसिस काफी अच्छे से मेरी हो जाती है ना तो टीम अपने आप काफी अच्छी बनती है और काफी अच्छा प्रॉफिट मेरा आ जाता है। और मैं अपना ही थोड़ी, मैं सबका प्रॉफिट करवाता हूँ अपने चैनल पर, जितने भी सब्सक्राइबर है उन सबका साथ में लेके चलता हूँ, सबका प्रॉफिट करवाने की कोशिश करता हूँ, है ना। दोस्तों आप मानो ना मानो एक मैच की एनालिसिस करने में मेरे को लग जाते हैं 5-6 घंटे आराम से लग जाते हैं, वो लैपटॉप की स्क्रीन के सामने मेरे को बैठा रहना पड़ता है, तब जाके जो है मैच की एनालिसिस मेरी कंप्लीट होती है। और फिर मैं करता क्या हूं, मेरी उसी एनालिसिस को तो दोस्तों मैं निचोड़ निकाल के एक वीडियो में कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब पर, ताकि आप लोग इस चीज का अच्छे से फायदा उठा सको और आप लोग भी अच्छा प्रॉफिट कमा सको, है ना। और माननी पड़ेगी दोस्तों देखो ये बात कि बहुत सारे लोग अपने चैनल पे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि अपने वीडियोस का फायदा उठाते भी हैं, है ना, वो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, वीडियो को मिस नहीं करते हैं, और वो कई तो ऐसे भी हैं जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार वीडियो को देखते हैं एक ही वीडियो को, क्योंकि उनको यार देखो वीडियो की इंपॉर्टेंस पता है, उनको पता है कि एनालिसिस टॉप क्लास है, उनको पता है कि वीडियो उनको अच्छे से समझ में आ गया तो उनका प्रॉफिट आज कन्फर्म ही मान के चलते हैं वो, है ना। और देखो मैं इसीलिए जो लोग अपने वीडियोस को ध्यान से पूरा नहीं देखते ना उनको भी यही बात बोलूंगा कि भाई दिन में से थोड़ा सा टाइम आप निकालना स्टार्ट करो, है ना, थोड़ा सा टाइम निकालना स्टार्ट करो, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे वीडियोस को ध्यान से देख लिया करो, पूरा देख लिया करो, अच्छी अच्छी एनालिसिस आपकी हो जाएगी ना तो अच्छा अच्छा प्रॉफिट आप खुद ब खुद कमाने लग जाओगे, आप खुद ये चीज नोटिस कर लेना, है ना। अब जैसे दोस्तों आज वाला मैच है काफी शानदार मैच है, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स वाला, है ना। इस मैच का भी दोस्तों जो मुश्किल काम है ना वो मैंने कर लिया है, एनालिसिस कर लिया और आप लोगों के लिए वीडियो में लेके आ चुका हूं। अब आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, अच्छे से समझ लेना है। ये आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको और किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है, किसी को भी टीम के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी की भी टीम कॉपी करने की जरूरत नहीं है ना, आप अपने आप इस मैच की काफी शानदार टीम बना पाओगे और काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो वीडियो को भाई ध्यान से देखना और पूरा देखना। उसके अलावा तो दोस्तों देखो यार आपको भी पता है कि
आईपीएल चल रहा है, हर आईपीएल के सीजन को हम अपने चैनल पे काफी अच्छे से कवर करते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, इस साल भी कवर कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट कमा ही रहे हैं और आगे भी अभी तो कमाएंगे। आईपीएल के भी बहुत सारे मैच बाकी हैं, टी20 वर्ल्ड कप के भी बहुत सारे मैच बाकी हैं, मतलब टी20 वर्ल्ड कप तो स्टार्ट ही हुआ है। काफी अच्छा प्रॉफिट दोस्तों हम अपने चैनल पे अभी कमाने वाले हैं। अगर आपको भी दोस्तों हमारे साथ ड्रीम इलेवन वगैरह पे काफी अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो मेरे भाई देखो यार, आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, आपको वही काम करना है जो 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करना है वो देखो यार, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ दोस्तों उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा वो भी दबा के ऑन कर लेना है ना, उसकी वजह से सारी अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी और आपकी विनिंग होती रहेगी। 6.5 लाख से भी ज्यादा लोग दोस्तों ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, इस काम को करने का कोई भी पैसा नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये चैनल आपका काफी अच्छा खासा प्रॉफिट करवा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है ना। फिर दोस्तों बात करते हैं देखो यार इस वीडियो के बारे में, तो यार इस वीडियो में तो आपको हमेशा की तरह इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत अच्छी एनालिसिस हम करने वाले हैं। फिर आगे इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करेंगे, एज यूजुअल इस एनालिसिस का यूज करेंगे, इस मैच की एक टीम बनाएंगे, लेकिन दोस्तों वही बात है कि यार अपनी इस वीडियो जो भी टीम बनेगी वो अपनी फाइनल टीम तो होगी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है और टॉस होने के बाद अपने पास फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, फाइनल प्लेइंग 11 आती है, जिनकी वजह से अपनी टीम में चेंजेज हो सकते हैं है ना। तो अपनी दोस्तों वीडियो वाली टीम में जो भी चेंजेज होंगे, जो भी अपडेट होंगे वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी इस मैच की, जिससे मैं खुद भी खेलूंगा एंड ऑफ कोर्स जिससे अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी, वो हमेशा की तरह दोस्तों टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो यार अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देखो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। फिलहाल में दोस्तों 1,80,000 से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनमें से नहीं हो तो मेरे भाई आपका मोस्ट वेलकम है, आपको जरूर से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों जो ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तो मेरे भाई आपको जुड़ी जाना है और ध्यान रखना ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, फैंटेसी सपोर्ट के नाम पे या फिर मेरे नाम पे देवांशु गुप्ता के नाम पे किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, है ना। टेलीग्राम चैनल की जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तो वैसे आपको जुड़ भी जाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ रखे हैं, फाइनल टीम आपको वही मिलती है, फाइनल अपडेट आपको वही मिलती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की ज्वाइनिंग लिंक मैंने आपको बताई दिया नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। खैर दोस्तों बात करते हैं देखो इस मैच के बारे में, तो यार आज वाला जो मैच है आज शाम को 7:30 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं देखो यार पिच और वेदर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, एक बार के लिए अपना पूरा फोकस यहां पर रखना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं देखो मौसम के बारे में, तो मौसम भी आज वाले मैच में एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अपने पास जहां तक न्यूज आ रही है वैसा वो ऐसी है कि कल हैदराबाद में बारिश हुई थी है ना, और आज भी दोस्तों जैसे मैच तो आज शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होगा ना, मैच से पहले लगभग 4-5 बजे की समथिंग यहां पर बारिश होने के अच्छे खासे चांसेस है, ये बात बोल रहा है वेदर फोरकास्ट मौसम विभाग है ना। अब दोस्तों देखो यार बारिश होने के चांसेस हैं, चलो ठीक है बारिश मान लो हो भी जाती है, मैच के दौरान बारिश नहीं आएगी, मैच में कोई भी इंटरप्शन बारिश नहीं डालेगी, लेकिन बारिश की वजह से मैच पर असर पड़ सकता है ना, क्योंकि जो पिच होगा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब जब मैच से जस्ट पहले बारिश होती है तो जो पिच होता है ना वो थोड़ा सा गीला हो जाता है, उसमें हल्का सा ऐसा मान लो कि मॉइस्चर होता ही होता है ना, और जो आउटफील्ड होती है वो भी थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो जाती है बारिश होने की वजह से है ना। तो ये जो 2-3 चीजें ना वो आज वाले मैच पे इफेक्ट डालेंगे, स्टेडियम पे इफेक्ट डालेंगे, पिच और आउटफील्ड पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं ये बात मैंने आपको बताई दी है कि आफ्टरनून में बारिश हो सकती है, ये बात सही है, पिच के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बात मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं देखो यार पिच के बारे में और फाइनल पिच रिपोर्ट आज वाले मैच की क्या रह सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो यार आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारे यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो यार क्या कर रहे हो, मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी एनालिसिस लेके आ रहा हूं, इतना अच्छा आप लोगों का रेगुलरली प्रॉफिट करवा रहा हूं है ना, तो एक छोटा सा लाइक तो आप कर ही सकते हो ना, वो तो एकदम फ्री का है भाई, वो तो आप दे ही सकते हो भाई, प्राइम वालों को आप 5,000 रुपए का पैकेज लेते फिरते हो उनसे, एक फ्री का लाइक अपने भाई को नहीं दे सकते हैं। कल वाले वीडियो पर भी दोस्तों 5,000 लाइक का मैंने लाइक टारगेट रखा था, वो भी आपने कंप्लीट नहीं किया था, उम्मीद करता हूं आज वाले वीडियो पे कर दोगे, 1 सेकंड लगेगा, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो देखते देखते ऐसे लाइक का बटन दबा देना है ना, एकदम फ्री का है, आप वो लाइक करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे एनालिसिस ला पाऊंगा, और अच्छा आपका प्रॉफिट करवा पाऊंगा, तो फटाफट से मेरे भाई है ना जिसने भी लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर ही देना। खैर दोस्तों हम बात करते हैं देखो यार पिच के बारे में, तो दोस्तों अभी तक इस आईपीएल के सीजन में टोटल 4 मैच इस पर्टिकुलर ग्राउंड में खेले जा चुके हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा चुके हैं, ठीक है। 4 में से दोस्तों 3 बार ऐसा हुआ है कि 200 प्लस का स्कोर यहां पर गया है, तो इस चीज से अपने को यह पता लगता है कि हाई स्कोरिंग मैच तो हो ही सकता है, हाई स्कोरिंग मैच यहां पर हो रहे हैं, जो पिच है वो फ्लैट है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, 4 में से 3 बार उस टीम ने विन किया है जिसने पहले बैटिंग किया, मतलब कि जिस टीम ने भी ऐसे मान लो कि 200 प्लस का स्कोर पोस्ट किया फिर उसको चेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि यहां पर सेकंड इनिंग में जो पिच है वो हल्का सा स्लो बिहेव कर सकता है, ठीक है। ये 2-3 चीजें तो मैंने आपको पिच के बारे में बता दी। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दो, मैंने कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं रखा है, बस बारिश की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा है ना। आज वाला जो मैच है वो 5वां गेम है, 4 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं,
जो चार मैच हुए हैं दोस्तों उनमें से 200 प्लस का स्कोर तीन बार जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और आज वाला मैच भी अपन एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आज अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो देखो जो मॉइस्चर है वो डेफिनेटली स्टार्टिंग में पेसर्स को हल्का सा सपोर्ट करेगा और स्पिनर्स को हैदराबाद के मैदान में हल्का फुल्का सपोर्ट कभी ना कभी मिल जाता है। तो दोनों टाइम के बॉलर्स जो है ना, पेसर्स और स्पिनर्स, फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को मैं हल्का हल्का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो भाई 200 के समथिंग मैं मान के चल रहा हूँ आज वाले मैच का। और जो भी टीम टॉस जीते वो देखो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन ले सकती है बिकॉज ऑफ वेदर, है ना। चूंकि मॉइस्चर है पिच में तो हल्का, आपको भी पता है कि मॉइस्चर होता है, तो जो पेसर्स होते हैं, जो फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा स्विंग भी मिलती है और एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है ना। बस उस चीज को ध्यान में रखते हुए टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया जा सकता है। ड्यू का भी क्या पता, ड्यू भी अगर आर्मी होगी तो उसकी वजह से भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर ड्यू का कोई चांस नहीं रहेगा और पिच में मॉइस्चर कम रहेगा तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का भी डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो चार मैच इस सीजन में खेले गए हैं, चार में से तीन बार उस टीम ने विन किया जिसने पहले बैटिंग किया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ का पिच स्लो होने का भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये मैंने आपको बताई है एक डेमो पिच रिपोर्ट, एक जनरल पिच रिपोर्ट। इस मैच की दोस्तों जो फाइनल पिच रिपोर्ट होगी वो अपने पास टॉस के बाद ही आएगी और वो मैं आपके साथ हमेशा तरह अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ भाई, टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी दोस्तों बात करते हैं देखो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के T20 स्टेट्स के बारे में। तो आज तक टोटल 75 मैच यहाँ पर खेले गए, जिनमें से दोस्तों 35 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 39 मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और एक मैच टाई हो गया था। एवरेज स्कोर दोस्तों इन पूरे 75 मैच का 163 है। आज वाले मैच का मैंने आपको बता दिया 200 के समथिंग जा सकता है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद का है, इसी सीजन में आया था 277 का। और लोवेस्ट स्कोर दोस्तों डेली कैपिटल्स का है। स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आप खुद भी देख सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों जो चीज खास इंपॉर्टेंट है, जो चीज रेगुलरली प्रॉफिट करवा रही है, वो चीज है रियल इलेवन। जिन लोगों ने दोस्तों रियल इलेवन को डाउनलोड कर रखा है उनको पता है कि कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है ना। और जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उनको मैं सच्ची में रिक्वेस्ट करके बोलूंगा कि मेरे भाई इसको डाउनलोड कर लेना, इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि जब आपका यहाँ पर फायदा होगा ना, जब आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा ना, तब आप खुद आके मेरे को बोलोगे कि हाँ यार देवांशु भाई आपने काफी अच्छी चीज बताई है ना। यहाँ पर दोस्तों फायदा कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप यहाँ पर टीम बना के कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके खेल सकते हो। यहाँ पर आपकी एंट्री फीस सबसे कम लगेगी, आप किसी भी एप्लीकेशन से कंपेयर कर लेना, सबसे कम एंट्री फीस आपकी रियल इलेवन पे लगती है, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों जीएसटी का फायदा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और उसके बाद आप चाहे से जी धड़ाक यहाँ पर डिपॉजिट करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये भी एक काफी बड़ा फायदा है। और जो तीसरा फायदा दोस्तों जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वो है ओपिनियन का। रियल इलेवन पे दोस्तों मैच के सवाल आते हैं कि हाँ भाई आज ये टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी, 6 ओवर में इतने रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पूरे 20 ओवर में इतने रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। जिनमें सिंपल यस या नो में अपने को जवाब देना होता है और काफी अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कल वाला मैच अगर आपको याद हो तो मैच स्टार्ट होते ही मैंने रियल इलेवन के तीन सवालों के जवाब अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजे थे। तीनों सवाल ऐसे थे कि भाई तीन ओवर के अंदर जो टीम है वो 29 या उससे ज्यादा रन बना पाएगी कि नहीं पाएगी, उसमें भी यस करने को मैंने आपको बोला था। और 6 ओवर वाला भी आ रहा था कि 6 ओवर में 56 रन बना पाएगी, 64 रन बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, उन दोनों सवालों में भी मैंने आपको यस करने को बोला था। और तीनों सवालों में हमने प्रॉफिट कमाया था कल वाले मैच में दोस्तों। इन तीन सवालों से मैच स्टार्ट होने के ऐसे मान लो 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने लगभग 60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था सिर्फ रियल इलेवन से, है ना। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, देखो आपको प्रॉफिट मैं करवा दूंगा रियल इलेवन पे, उसकी चिंता मत करो। सवालों के जवाब जो होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो बस आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। लेकिन देखो रियल इलेवन पे प्रॉफिट कमाने के लिए रियल इलेवन आपके मोबाइल में होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं इसको डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार सबसे पहले पॉइंट टेबल के बारे में। तो देखो ये दोनों जो टीम्स है ना वो तो टॉप पे बैठी हैं, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8-8 जो विन है वो ये दोनों टीम्स कर चुकी हैं, 16-16 पॉइंट है ये दोनों, तो ऐसे मान लो प्लेऑफ के लिए लगभग क्वालीफाई हो चुकी है ना। लेकिन दोस्तों जो ये तीसरा और चौथा स्पॉट बचा है ना, उनमें लड़ाई हो रही है इन चार टीमों के बीच में। आज वाला जो मैच है वो इन दोनों टीम्स के बीच में है और काफी इंपॉर्टेंट मैच है, ध्यान रखना दोनों ही टीम्स के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं आज वाला मैच अगर सनराइजर्स हैदराबाद जीतती है ना तो इनको एक तो पॉइंट्स बढ़ेंगे और दूसरा इनका कंपटीशन कम होगा, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के फिर प्लेऑफ में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। इन चारों ही टीम्स ने दोस्तों 6-6 मैच जीत रखे हैं, है ना, इन्होंने 5-5 मैच हार रखे हैं। आज वाला जो मैच है वो सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, दोनों की जो चीजें वो एकदम सिमिलर है, 12-12 पॉइंट्स है बस, नेट रन रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। और आज वाला मैच दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वाला जो मैच है ना, मतलब ऐसा मान लो खुद की जीत के लिए भी इंपॉर्टेंट है तो सामने वाली टीम को हार के भी इंपॉर्टेंट है, डबल फायदा हो जाएगा। तो आज वाला मैच एक्चुअली में काफी धमाकेदार होने वाला है, ये बात मैं कल रात से सोच रहा हूं कि यार आज वाले मैच में काफी मजा आने वाला है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं देखो रीसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए पूरा फोकस यहां पर भी रखना।
रीसेंट परफॉर्मेंस दोस्तों देखो, सनराइजर्स हैदराबाद ये सीजन काफी अच्छे से स्टार्ट किया था, काफी अच्छी स्टार्ट इनको मिली थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों इनकी भी परफॉर्मेंस डिप खा गई है। पिछले चार मैच अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक मैच जीता है राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, और ये वाला मैच भी मात्र एक रन के मार्जिन से जीता था, काफी क्लोज आ गया था ये वाला मैच भी, है ना। उससे पहले पिछला मैच मुंबई इंडियंस ये हार के आ रहे हैं, उससे पहले सीएसके और आरसीबी से भी ये हार चुकी हैं। आज वाले मैच में उम्मीद करता हूं अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अच्छी परफॉर्मेंस दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की अच्छी परफॉर्मेंस तभी आएगी जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करेगी। अगर सनराइजर्स की टीम पहले बॉलिंग कर लेती आज वाले मैच में गलती से भी, तो ध्यान रखना फिर ऑटोमेटिकली लखनऊ के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लखनऊ की दोस्तों ये सीजन जो है वो हॉट एंड कोल्ड गया है, कभी जीते हैं कभी हारे हैं, है ना। पिछले पांच में से तीन मैच इन्होंने जीते हैं, एक राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट हारा, एक केकेआर के अगेंस्ट पिछला वाला मैच हारा, काफी बड़े मार्जिन से हारा था ये वाला मैच अगर आप देख सकते हो, 235 और 137, है ना। तो इनकी नेट रन रेट पे काफी इफेक्ट पड़ा था, नेट रन रेट इनकी काफी ज्यादा नेगेटिव में चली गई थी। अब आज वाला मैच ये जीतना भी चाहेंगे और बड़े मार्जिन से जीतना चाहेंगे ताकि नेट रन रेट भी इंप्रूव कर सके, है ना। और भाई इनके जो अपोनेंट है वो वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके ऊपर थोड़ा सा यू नो भारी रहते हैं लखनऊ की टीम। आज तक जो इन दोनों टीम्स के बीच में तीन मैच खेले गए, तीनों के तीनों मैच लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीते हैं। आईपीएल 2023 में दोस्तों दो मैच खेले गए थे, दोनों के दोनों मैच लखनऊ ने जीते थे, एक 7 विकेट से एक 5 विकेट से। और आईपीएल 2022 में एक मैच खेला गया था जो भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने जीत लिया था, ठीक है। तो हाँ, मतलब थोड़ा सा वो पलड़ा भारी रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का, लेकिन ध्यान रखना अगर सनराइजर्स की टीम आज वाले मैच में पहले बैटिंग कर लेती है तो सनराइजर्स की टीम भी बाजी मार सकती है, है ना। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर्स के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि आईपीएल 2023 में इन दोनों टीम्स के बीच में दो मैच हुए थे, है ना। उन दोनों टीम्स के दोस्तों जो टॉप परफॉर्मर्स है वो मैंने आपके स्क्रीन के सामने रखे हैं ताकि आपको ये आइडिया लगे कि जब जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना होता है तो कौन सा प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, ताकि आप उस प्लेयर को अपनी टीम में उठा सको, है ना। जैसे कि ये वाला मैच था, इसमें दोस्तों अनमोलप्रीत सिंह ने 31 रनों की पारी खेली थी, लेकिन आई डोंट थिंक अनमोलप्रीत सिंह आज वाले मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों 2023 में दोनों ही मैच में अनमोलप्रीत सिंह ने 30+ रनों की पारी खेली थी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों राहुल त्रिपाठी ने 34 रनों की पारी खेली थी, कृणाल पांड्या ने दोस्तों 34 रनों की पारी भी खेली थी और 3 विकेट भी लिए थे, ठीक है। उसके अलावा अमित मिश्रा ने 2 विकेट लिए थे और केएल राहुल ने 35 रनों की पारी खेली थी। बस ये कुछ टॉप परफॉर्मर्स थे इस मैच के, ठीक है। अगर मैं बात करूं आईपीएल 2023 के सेकंड मैच में, तो इसमें भी अनमोलप्रीत सिंह थे, उसके अलावा एडन मरकरम थे, 28 रनों की डिसेंट पारी आई थी, हेनरिक क्लासन थे, 47 रनों की अच्छी पारी आई थी, अब्दुल समाद थे दोस्तों 37 नॉट आउट की अच्छी पारी आई थी। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब्दुल समाद इस वाले मैच में भी नॉट आउट रहे थे, 20-21 रन ही बनाए थे लेकिन नॉट आउट थे, है ना। उसके अलावा कृणाल पांड्या ने दोस्तों 2 विकेट लिए थे, क्विंटन डिकॉक ने 29 रनों की पारी खेली थी, मार्कस टोनिस ने 40 रनों की पारी खेली थी, निकलस पूरन ने 44 नॉट आउट की, और प्रेरक मानकर जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में है लेकिन अभी उनको मौके नहीं दिए जा रहे, उन्होंने भी 64 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली थी, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों देखो, तो अब्दुल समाद, कृणाल पांड्या, इनके आज सिलेक्शन परसेंट बहुत कम रहेंगे, लेकिन ये आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक आज वाले मैच में निकल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो, ये हैं अपने कुछ गिव अवे विनर्स के प्राइज ट्रांसफर प्रूफ, वैसे तो मतलब ये मैं दिखाता नहीं था, लेकिन वही बात है, आपको भी पता है कि यार ये जो मार्केट है वो गद्दारों से भरा हुआ है, फेक गिव अवे अपने चैनल पर वो लोग करते फिरते हैं, तो फिर सवाल अपने चैनल पर भी खड़े होते हैं। तो भाई सबसे जेन्युइन गिव अवे सिर्फ फैंटेसी सपोर्ट पे होते हैं, पिछले 5 साल से चैनल चलता आ रहा है, सबको पता है ये बात, है ना। आज वाले वीडियो में भी दोस्तों आप लोगों के लिए गिव अवे है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना और आप 500 रुपये जीत सकते हो, आपको बस वीडियो को लाइक करना है, जो कि उम्मीद करता हूं आपने अभी तक कर भी दिया होगा। बाकी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आज वाले मैच में अच्छा प्रॉफिट भी आप कमा पाओगे। उसके बाद दोस्तों इन 3 सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है ना। आप दोस्तों 3 कमेंट कर सकते हो मैक्सिमम, एक भी कमेंट में अगर आपके 3 सवालों का जवाब सही आ जाता है तो आप फिर गिव अवे के विनर बन जाओगे, सिंपल सा काम है ना। बाकी बात करते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी स्क्वाड के बारे में, तो वो आपकी स्क्रीन के सामने, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी बात करते हैं दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम न्यूज के बारे में, तो यार सनराइजर्स की टीम की तरफ से अपने पास एक्चुअली ऐसी कोई एक्सक्लूसिव न्यूज नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों वानिंडो हसरंगा, इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सीजन से रूल आउट हो चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे देखो मैंने आपको बताया था पहले, जब एडन मरकरम खेल रहे थे ना सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में, तब मैंने आपको बोला था कि भाई एडन मरकरम उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, उनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और प्लेयर से, है ना। तो इन्होंने किया भी था, उसके बाद मार्को येंसन को बुलाया। अब यार मार्को येंसन को भी ऐसा है ना कि खेलते भी 1-2 मैच हो गए और वो अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे। पिछले मैच में उन्होंने बहुत ज्यादा ठुकाई करवाई थी, काफी ज्यादा इकोनॉमी रेट रही थी, तो ध्यान रखना आज वाले मैच में मार्को येंसन को भी बिठाया जा सकता है। और इनके पास सनराइजर्स हैदराबाद के पास दोस्तों ग्लेन फिलिप्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ग्लेन फ्लिप को अगर मौका दिया जाए ना तो ग्लेन फ्लिप को आई थिंक ये दिया जा सकता है। और मेरे को मतलब ऐसा है कि भाई ग्लेन फ्लिप को मौका मिलना चाहिए, अभी तक इस सीजन में दिया नहीं है, जबकि काफी अच्छे प्लेयर हैं हम सब जानते हैं ना, तो ये करना चाहिए। बाकी हो सकता है मार्को येंसन के साथ भी चला जाए, अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर इनको चाहिएगा तो फिर मार्को येंसन के साथ ही ये जाएंगे, है ना।
उसके अलावा दोस्तों देखो यार, अगर आज वाले मैच में मार्को येंसन को ये रिप्लेस नहीं करते हैं, तो मार्को येंसन आपको भी पता है एक लेफ्ट आर्म पेसर है ना, तो फिर ये आई थिंक उनाडकट को रिप्लेस कर देंगे। उनाडकट की जगह आपको उमरान मलिक आज वाले मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, काफी फास्ट बॉल फेंकते हैं उमरान मलिक, हम सबको पता है, तो इनको ये आज वाले मैच में खिला सकते हैं। क्योंकि देखो मार्को येंसन हो गए, टी नटराजन हो गए, जयदेव उनाडकट हो गए, तीनों के तीनों लेफ्ट आर्म पेसर है। आई डोंट थिंक ये तीन लेफ्ट आर्म पेसर की इनको जरूरत है, तो एक को बिठा देंगे, जयदेव उनाडकट को भी बिठा सकते हैं, उनको जगह उमरान मलिक खिला सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों और कोई भी रिपोर्ट अपने पास सनराइजर्स की टीम की तरफ से अभी तक आई नहीं है, और वही बात है यार, देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है, वो मैं आपके साथ हमेशा करें अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल में हम बात करते हैं दोस्तों पॉसिबल प्लेइंग 12 के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से आपको आज वाले मैच में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले मैच में दोस्तों मयंक अग्रवाल को बुलाया था, अच्छी परफॉर्मेंस ये नहीं कर पाए थे, लेकिन आई थिंक ये मौके दिए जाएंगे। नंबर तीन पर आपको ये दिख सकते हैं, बाकी दोस्तों नीतीश शेडी है, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समाद है, कोई भी चेंज इनमें नहीं होने वाला। शहबाज अहमद है, इनमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। मार्को येंसन की जगह मैंने आपको बता दिया, फिलिप्स को खिलाना चाहिए खिला सकते हैं। बाकी दोस्तों पेट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार है, जयदेव उनाडकट की जगह मैंने आपको बता दिया कि अगर उसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो इनको कर देंगे, इनकी जगह उमरान मलिक खेल सकते हैं, और बाकी टी नटराजन है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखो एक दो प्लेयर्स डेफिनेटली इनमें चेंजेज हो सकते हैं, और चेंजेज होंगे तो अपने को टॉस के बाद ही पता लगेंगे, है ना, तो वो कंफर्मेशन मैं आपको टॉस के बाद ही दे पाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल में दोस्तों हम बात करते हैं, देखो यार इन्हीं 11-12 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो एक बार के लिए अपना पूरा फोकस रखना काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है ट्रेविस हेड का, लेफ्ट हैंड बैटर है, हम सब जानते हैं। इस आईपीएल के सीजन में आने से पहले दोस्तों 111 मैच अपने टी20 के करियर में इस बंदे ने खेले थे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, है ना, जिनमें दोस्तों 111 मैचों में 2600 प्लस इस बंदे ने रन बनाए, 28 प्लस का बैटिंग एवरेज है। इस सीजन में दोस्तों कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस आई है। इन दो मैचों में ये बंदा बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ, क्योंकि इन दोनों ही मैच में ऐसे मान लो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बॉलिंग की थी, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रेविस हेड का इस सीजन में बैटिंग एवरेज, जब ये पहले बैटिंग करते हैं तब तो अच्छा खासा है, लेकिन जब ये पहले बॉलिंग करते हैं ना तब ट्रेविस हेड का बैटिंग एवरेज 15 से भी नीचे का है ना, तो ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आज वाले मैच में अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग करती है तब बाजी मार सकती है, लेकिन अगर पहले बॉलिंग करती है तब फिर बाजी मारना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है पहले बॉलिंग करते टाइम, है ना। उसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूं तो भाई 88 मैच इस बंदे ने खेले, इनका जो रिकॉर्ड है आपकी स्क्रीन के सामने, इसकी भी दोस्तों इस सीजन की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, 32, 63, 29, 37, 34, 46, 31, है ना, लेकिन पिछले तीन मैचों में दोस्तों थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चले गए, पिछले तीन मैचों में 15 का स्कोर भी क्रॉस नहीं कर पाए। ट्रेविस हेड के बारे में दोस्तों मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि अगर सनराइजर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर आप इसको अपनी टीम में सीवीसी के लिए कंसिडर कर सकते हो, अगर पहले बॉलिंग करती है तो फिर चाहे से आप सीवीसी के लिए इनको कंसिडर मत करना। ठीक है, उसके अलावा अभिषेक शर्मा को दोस्तों आप एक नॉर्मल प्लेयर के रूप में अपनी टीम में उठा सकते हो, और देख लेना मतलब काफी अच्छी पावर हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन पिछले दो तीन मैच से जो है आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मयंक अग्रवाल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस बंदे को मैं अपनी स्मॉल लीग टीम में नहीं रखूंगा, इस सीजन में दोस्तों जो पहला मैच खेला था उसी में थोड़े बहुत पॉइंट दिए थे, उसके बाद उतनी कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। ठीक है, मयंक अग्रवाल को दोस्तों चूंकि एक्सपीरियंस है और काफी पुराने खिलाड़ी हैं, इसलिए मैं आपको ग्रैंड लीग के जरूर एक आधी पिक में ट्राई करने को सजेस्ट कर दूंगा, बाकी स्मॉल लीग में मत करना। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी दोस्तों पिछले मैच में हमने अपनी टीम से ड्रॉप करके रखा था, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस इनकी आई भी नहीं थी, है ना, लेकिन एक काफी अच्छे ऑलराउंडर है, उससे पहले अच्छी परफॉर्मेंस आई थी 76 नॉट आउट की, और ये वाला मैच जो 76 नॉट आउट वाला है वो इसी ग्राउंड में खेला गया था, ये बात ध्यान रखना, है ना, उससे पहले भी दोस्तों 64 प्लस 1 विकेट की परफॉर्मेंस आ चुकी है। और मैं एक्चुअली मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको सेफ खेलना हो थोड़ा सा स्मॉल लीग में तो डेफिनेटली आप एनके रेड्डी को अपनी टीम में उठा सकते हो, क्योंकि बंदा बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हेनरिक क्लासन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली अपनी टीम में हम रखेंगे, हालांकि दोस्तों थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म ये भी चले गए हैं, अगर आप देखोगे पिछले 4-5 मैच में तो 1, 2, 3 और 4 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है, लेकिन फिर भी दोस्तों हेनरिक क्लासन जैसा पावर हिटर अपनी टीम में डेफिनेटली अपने को रखना बनता है, विकेट कीपर सेक्शन से उठाएंगे मतलब उठाएंगे। ठीक है, और इवन दोस्तों बहुत सारे लोग तो इनको वाइस कैप्टन में भी कंसीडर करने वाले हैं, अगर आप भी करना चाहो तो कर सकते हो, स्पेशली तब करना जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चेस कर रही है। ठीक है, तब आप जो है इनको वाइस कैप्टन के लिए कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब्दुल समद की अगर मैं बात करूं, शहबाज अहमद की अगर मैं बात करूं, तो इनको मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब्दुल समद का दोस्तों एक तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है, अगर आप देखोगे तो आधी बार तो बैटिंग भी नहीं आती है, ये डीएनबी लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि इन मैचों में इनकी बैटिंग नहीं आई है ना, और बैटिंग आती भी है तो कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। लेकिन ग्रैंड लीग की आप 20 टीम बनाओ तो एक या दो टीम में ट्राई कर लेना, ज्यादा टीम में मत करना, और वो भी इसलिए मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट पिछले साल ठीक ठाक परफॉर्मेंस की थी, ये बात मैंने आपको टॉप परफॉर्मेंस के टाइम पे बताई थी। ठीक है, उसके अलावा शहबाज अहमद दोस्तों पूरे ओवर इसके फिक्स नहीं है, पिछले 5 मैच में एक भी विकेट आया नहीं है, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डाउन है ना, इसलिए अपनी स्मॉल की टीम में हम इनको भी नहीं रख सकते। बाकी मार्को येंसन की दोस्तों अगर मैं बात करूं, खेलते हैं अगर आज वाले मैच में तो आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, पिछले मैच में 17 रन भी बनाए थे, एक विकेट भी लिया था, लेकिन ध्यान रखना बैटिंग ऑर्डर तो इनका डाउन रहने ही वाला है, प्लस बॉलिंग में थोड़ी सी ठुकाई हो रही है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो रहा है,
देखते हैं, हो सकता है इंडियन कंडीशन में जो है कंफर्टेबल होने में एक दो मैच लग जाए, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। मार्को जेनसन टैलेंटेड प्लेयर है ना, अपने इस मोलो की टीम में रखना चाहो रख सकते हो, कोई एतराज नहीं है मेरे को आज वाले मैच में, ठीक है। पेट कमिंस दोस्तों डेफिनेटली हम अपने टीम में रखेंगे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं हम सब जानते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको दे सकता है पॉइंट। 130 मैच में 145 विकेट, 7.99 की कॉन्वर्टेड, पिछले मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिए, उससे पहले बॉलिंग से दिया है ना, इस मैच में भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आए, इन सब मैच में इन्होंने विकेट निकाला था, तो एक डेफिनेटली काफी अच्छे पिक हो जाते हैं पेट कमिंस और अपनी टीम में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भूवी, जयदेव और टी नटराजन, इनमें से आई थिंक मैं किसी एक ही पेसर को अपनी टीम में रखूंगा, और हो सकता है जयदेव तो खेले भी नहीं, इनकी जगह उमरान मलिक भी खेल सकते हैं ना। बाकी दोस्तों जयदेव की अगर मैं बात करूं तो देखो तीन मैच में ये विकेटलेस रहे हैं इस सीजन में, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, स्टार्टिंग ठीक हुई थी चलो 2-0-1-1, लेकिन पिछले मैच में भी खिलाया नहीं गया था, अब आज वाले मैच में इनकी जगह उमरान मलिक आ जाते हैं तो उनको ग्रैंडली की अकादी टीम में ट्राई करेंगे। उमरान मलिक को भी हम अपनी स्मोली की टीम में ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम बाद उनको क्रिकेट कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में मौका दिया जाएगा ना, तो फिर आते ही पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस करे, इसलिए स्मोलिक में हम उनको भी नहीं उठा सकते। भूवी दोस्तों पिछले एक दो मैच से काफी तगड़ी फॉर्म में आ रखे हैं, ये जो तीन विकेट आए थे ये इसी पर्टिकुलर ग्राउंड में आए थे, तो ध्यान रखना इस पर्टिकुलर ग्राउंड में भुवनेश्वर काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको अगर हल्का सा रिस्क लेना हो तो भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में आप अपनी जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी टी नटराजन दोस्तों पिछला मैच इनका विकेटलेस जरूर गया था, लेकिन उससे पहले कोई भी मैच इनका विकेटलेस नहीं गया, डेथ में बॉलिंग करेंगे, काफी अच्छी यॉर्कर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए टी नटराजन को मैं अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखने वाला हूं, ठीक है। मैंने आपको दोस्तों देखो एक चीज पहले भी बोली है, बहुत बार बोली है कि स्मॉल लीग की टीम में ज्यादा बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है, स्मॉल लीग में हम हेड टू हेड खेलते हैं, थ्री मेंबर खेलते हैं, फोर मेंबर लीग खेलते हैं, तो वहां पर अपने को एक या दो या तीन लोगों को ही हराना होता है, तो वहां पर अपनी टीम में ज्यादा बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी रिस्क मत लिया करो, है ना। प्रॉफिट में रहने का मंत्र बता रहा हूं ये बात मैं आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्मॉल लीग की टीम खेल रहे हैं, हेड टू हेड खेल रहे हैं, थ्री मेंबर खेल रहे हैं, और उनमें बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, क्या मतलब है भाई, बड़े रिस्क लेना हो तो ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग खेलो, जहां पर आपको हजारों लाखों लोगों को हराना है, वहां पर बड़े रिस्क लेना सेंस बनाता है, वहां पर आप भुवनेश्वर कुमार को भी अपनी टीम में रखो, वहां पर आप अब्दुल समद को भी अपनी टीम में रखो, लेकिन स्मॉल लीग में उतने बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। भुवनेश्वर कुमार को लेना हल्का सा रिस्क है, इसलिए आप उनको अपनी स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों वो बात हो जाती है सनराइजर्स की, अब अपन बात करते हैं लखनऊ की, तो यार इनकी जो पूरी स्क्वाड है वो भी आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले दोस्तों लखनऊ की अपन टीम न्यूज देख लेते हैं, इनकी तरफ से अपने पास क्या न्यूज आ रही है मैं आपको बता देता हूं। इनके दोस्तों जो पेसर है मयंक यादव वो वापस इंजर्ड हो गए हैं ना, इस सीजन में दोस्तों इनको स्टार्ट मिली, काफी तेज तर्रार बॉल फेंकते थे इसलिए ये थोड़े से हाईलाइट हुए, उसके बाद इंजर्ड हो गए, फिर वापस आए, एक मैच खेला फिर वापस इंजर्ड हो गए, है ना, तो मतलब इंजर्ड चल रहे हैं, अभी आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उसके अलावा दोस्तों क्विंटन डीकॉक की अगर मैं बात करूं तो पिछले दो मैच क्विंटन डीकॉक ने भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से नहीं खेले थे, एक हल्के से इंजरी के कारण, हल्के से निगल के कारण, बट आई थिंक यार देखो चूंकि आज वाला जो मैच है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने आपको पॉइंट टेबल के टाइम पे बताई थी, लखनऊ और सनराइजर्स का ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है, तो आज वाले मैच के लिए क्विंटन डीकॉक को वापस बुलाया जा सकता है, ध्यान रखना प्लेइंग 11 में आपको दिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आज अगर क्विंटन डीकॉक खेलते भी है तो उनको खतरा हो सकता है, किससे, लेफ्ट आर्म पेसर से, क्योंकि इस सीजन में दोस्तों जो 9 मैच क्विंटन डीकॉक ने खेले हैं उन 9 में से दोस्तों 6 बार अपना विकेट लेफ्ट आर्म पेसर को दिया है, उस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में है भाई लेफ्ट आर्म पेसर, टी नटराजन, जयदेव उनादकट और मार्को जेनसन, ये तीन लेफ्ट आर्म पेसर खेल सकते हैं और वो उनको परेशान कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो क्विंटन डीकॉक को ये खतरा आज वाले मैच में हो सकता है। बाकी उसके अलावा तो दोस्तों देखो यार और कोई रिपोर्ट अपने पास अभी तक आई नहीं है लखनऊ की टीम की तरफ से, और वही बात है यार देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहेगी, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है वो हमेशा की तरह आपके साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर ही दूंगा। बाकी बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉसिबल प्लेइंग 12 के बारे में, तो क्विंटन डीकॉक, केएल राहुल आई थिंक आपको ओपनिंग करते हुए आज वाले मैच में दिख जाएंगे, ध्यान रखना अगर क्विंटन डीकॉक आज वाले मैच में भी नहीं आते हैं ना तो इनकी जगह आपको खेलते हुए दिखेंगे अर्शिन कुलकर्णी एज एन ओपनर, जो कि पिछले दो मैच से खेल भी रहे हैं ना। उसके अलावा दोस्तों मार्कस स्टोइनिस है, दीपक हुड्डा है, निकलस पूरन है, अर्शिन कुलकर्णी है, अर्शिन कुलकर्णी अगर क्विंटन डीकॉक आ जाते हैं तो फिर ये आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आयुष बडोनिया, कृणाल पांड्या है, रवि बिश्नोई है, मोहसिन खान है, यश ठाकुर है और नवीन उल हक है, आई डोंट थिंक इनमें कोई चेंज होने वाला है, लेकिन आई थिंक यार लखनऊ करेगी एक आधे चेंज अपनी लाइनअप में करेगी, और वो देखो ये सिर्फ गट फीलिंग है कि करेगी, कोई फाइनल अपडेट नहीं है, जैसे ही अपने पास अपडेट आएगी तो उसके बाद आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। फिलहाल में दोस्तों हम बात करते हैं इन्हीं 12 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया मतलब डेफिनेटली यार आपको भाई ये वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार आपके छोटे भाई का ही तो वीडियो है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा लाइक टारगेट मैंने रखा ही नहीं है यार, 5000 लाइक का लाइक टारगेट है, अगर सब लोग दिल से लाइक करते हो अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो प्लीज नीचे देखो अगर 5000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए हो तो नीचे लाइक का बटन आ रहा है, एक सेकंड लगेगा, फटाफट से दबा देना, कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, आप ये चीज समझो मेरे भाई, आप वीडियो को लाइक करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, मेरे को कोई पैसे नहीं मिलेंगे नहीं आपको कोई पैसे लगेंगे, है ना, बस मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं ला पाऊंगा, और अच्छा आप प्रॉफिट कमा पाओगे, है ना, तो ये चीज समझो थोड़ा सा, वो वीडियो को लाइक करो, आप ज्यादा करोगे ज्यादा प्रॉफिट आपका मैं करवाऊंगा, ये बात पक्की है। बाकी यहां पर प्लेयर्स की बात करते हैं, क्विंटन डीकॉक का नाम आ जाता है दोस्तों, सबसे पहले लेफ्ट हैंड प्लेयर है,
327 मैच दोस्तों अपने T20 के करियर में खेले थे इस IPL में आने से पहले, जिनमें 9300 प्लस रन बनाए, 32 प्लस का बैटिंग एवरेज है ना। इस सीजन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों हॉट एंड कोल्ड जा रहा था, स्टार्ट अच्छी हुई थी 54-81 रनों की पारी, लेकिन उसके बाद तीन मैच जो है खराब गए, फिर एक 50 आई, फिर दो मैच खराब गए, उसके बाद दोस्तों पिछले दो मैच से तो खेल नहीं रहे निकल की वजह से, बाकी आज वाले मैच में वापस आ सकते हैं। और वापस आते हैं तो देखो आप अपनी स्मॉल लीग टीम में उठा भी सकते हो, एक्सपीरियंस प्लेयर क्विंटन डी कॉक डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बस इनको खतरा रह सकता है लेफ्ट आर्म पेसर से, ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से खतरा रह सकता है, बाकी डेफिनेटली आई थिंक ये बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा तो मैं अपनी टीम में ट्राई कर ही लूंगा। स्मॉल लीग में वही बात है, ज्यादा बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती है ना। केएल राहुल दोस्तों डेफिनेटली हम अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखने ही वाले हैं, 42 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, इस सीजन में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, 58 है ना, 33, 39, 89, 82, 76, 28, 25, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, अच्छे अच्छे पॉइंट आपको दे रहे हैं, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, एंड डेफिनेटली आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट पिक के साथ साथ कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मार्कस स्टोनिस की अगर मैं बात करूँ तो भाई नंबर तीन पर ये बंदा काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, इनका इसलिए बैटिंग ऑर्डर आई डोंट थिंक ये चेंज करने वाले, नंबर तीन पर ही इनको रखेंगे क्योंकि नंबर तीन पर चल रहा है ये बंदा है ना। अगर आप देखोगे तो इस सीजन में भी काफी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दिए, बैटिंग से पॉइंट दिए है ना, इसमें बॉलिंग से दे दिए, इसमें बैटिंग से दे दिए, इसमें बॉलिंग से दे दिए, इसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों से दे दिए, इसमें बैटिंग से दे दिए, तो या तो बैटिंग से या बॉलिंग से ये बंदा परफॉर्मेंस कर ही रहा है, और मैं तो आपको बोलूंगा अगर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस कर जाता है ना तो काफी अच्छे पॉइंट हो जाते हैं, और उस केस में आप इनको CVC के लिए भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत सारे लोग इनको भी करेंगे है ना, तो आप एक्चुअली में इनको कर सकते हो और टीम के लिए तो वैसे इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अपने पास नेक्स्ट दीपक हुड्डा का ऑप्शन आ जाता है, इनको दोस्तों मैं अपनी स्मॉली की टीम में ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि उतने ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है ये है ना, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आप देखो तो एक्सपीरियंस है लेकिन 25 से नीचे का बैटिंग एवरेज है, इस सीजन में जो है 150 आई है, बाकी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों दीपक हुड्डा चूंकि एक काफी अच्छे प्लेयर हैं, काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं, इसलिए ग्रैंड लीग की जब मैं 20 टीम बनाऊंगा इस मैच की तो आई थिंक कि 3 या 4 टीम में रख लूंगा, उससे ज्यादा टीम में नहीं रखूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों निकी पूरन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ऐसा बोल सकता हूँ कि इनकी भी फॉर्म चली गई है, जैसे हेनरिक क्लासन के साथ हुआ है ना वैसे इनके भी साथ हुआ, इनकी भी जो फॉर्म है वो हल्की सी डिप खाई है, बाकी दोस्तों एक्सपीरियंस तो इनको भी कूट कूट के भरा है, रन भी काफी बनाए, बैटिंग एवरेज भी काफी अच्छा है, लेकिन पिछले 3 मैच में आप देखोगे तो 11 और 10 रन पे आउट हो चुके हैं, इस मैच को तो मैं खराब नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें नोट आउट रहे थे, बाकी उससे पहले दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस आ रखी है इसकी है ना, जैसा मैंने आपको हेनरिक क्लासन के बारे में बोला सेम चीज इसके बारे में भी बोलूंगा कि आई थिंक कि मैं इनको अपनी टीम में उठाने वाला हूं। एक तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सनराइजर्स हैदराबाद का ये जो होम ग्राउंड है ना राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, यहां पर निकोलस पूरन का रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, वो चीज भी मैं ध्यान में रखूंगा और इनको अपनी टीम में उठाने वाला हूं, बैटिंग फ्रेंडली सरफेस, पावर हिटिंग कर सकते हैं हम सब जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अर्शिन कुलकर्णी की अगर मैं बात करूं तो इस बंदे का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, नए प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, अंडर 19 वगैरह खेला है, लेकिन अभी यार IPL दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है तो उस पर थोड़ा सा अंडर प्रेशर आई थिंक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 2 मैच में मौका दिया गया, क्विंटन डी कॉक जब नहीं खेल रहे थे अब इनको मौका दिया गया, कोई खास उभर के आई नहीं है, अपनी स्मॉल की टीम में ट्राई नहीं कर सकता, इनको बॉलिंग तो एक्चुअली मिली भी नहीं है 2 मैचों में, हालांकि है एक ऑलराउंडर, 8 मैच में 4 विकेट इन्होंने अपने T20 के करियर में निकाले हैं, लेकिन वो सबको पता है यार हाई स्कोरिंग वेन्यू हो रहे हैं, ठुकाई हो जाएगी, यंग प्लेयर है ना, इसलिए इनको बॉलिंग नहीं दी जा रही। बाकी दोस्तों बडोनी की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग ऑर्डर अनशन जाऊन है, वही बात है यार, देखो जिस प्लेयर की बैटिंग आना फिक्स नहीं होती उनको हम अपनी स्मॉल की टीम में ट्राई नहीं कर सकते है ना। और उसके अलावा क्रूनाल पंड्या दोस्तों आज वाले मैच के आपके ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कंडीशन में निकलेंगे, जब पिच में हल्का सा स्पिनर को सपोर्ट रहेगा, ठीक है। एक्चुअली मैं ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रूनाल पंड्या और इनके जस्ट एकदम डोपलेगेंगर में बोल सकता हूँ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में है शहबाज अहमद, वो भी स्पिनर है, वो भी पावर हिटिंग कर सकते हैं, क्रूनाल पंड्या भी स्पिनर है, वो भी पावर हिटिंग कर सकते हैं, ये दोनों आप लोगों के लिए अच्छे ट्रंप कार्ड निकल सकते हैं आज वाले मैच के, लेकिन वो तभी निकलेंगे जब पिच में स्पिनर को सपोर्ट रहेगा। एक बार फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास आ जाने दो, मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज वाले मैच में स्पिनर को सपोर्ट नहीं रहेगा, लेकिन फाइनल पिच रिपोर्ट आ जाने दो, उसमें अगर लिखा हुआ जाता है कि भाई जो पिच है वो ड्राई है, ड्राई तो होने के वजह से मेरे को चांस लग ही नहीं रहे क्योंकि बारिश रहेगी है ना, बारिश होगी आज दोपहर तक तो ड्राई होने के चांसेस लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखते हैं यार कैसा पिच निकल जाए, अगर पिच रिपोर्ट में आता है कि स्पिनर को सपोर्ट रहेगा तब फिर आप उन दोनों को अपनी ग्रैंड लीग की एक आधी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी रवि बिश्नोई है दोस्तों, ये सीजन इनका भी कुछ खास नहीं जा रहा, लेग स्पिन बॉलर है, काफी अच्छे बॉलर है, लेकिन इस सीजन में विकेटलेस बहुत बार रहे हैं, अब अगर आप देखोगे तो ये 4 मैच इनके विकेटलेस, ये वाला मैच भी इनका विकेटलेस है ना, टोटल 5 मैच में विकेटलेस गए, थोड़े से एक्सपेंसिव रह रहे हैं। उसके अलावा मोहसिन खान, यश ठाकुर और नवीन उल हक, इसमें से दोस्तों देखो नवीन उल हक को मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस इनको सबसे ज्यादा है और विकेट भी इन्होंने अच्छे निकाले हैं, सिर्फ एक मैच में विकेटलेस गए हैं, अपनी बॉलिंग में वेरिएशन काफी अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों सामने जो बैटिंग लाइनअप है सनराइजर्स हैदराबाद की, अगर उनकी पहले बैटिंग आ गई तो तोड़फोड़ मचा देंगे इनके साथ है ना,
लेकिन फिर भी नवीन उलग जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव रह के भी विकेट निकाल सकते हैं, अपनी बॉलिंग में वेरिएशन कर सकते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने नवीन उलग को अपनी टीम में रखूंगा। और इन दोनों में से दोस्तों अगर किसी को मेरे को अपनी टीम में रखना ही होगा तो फिर मैं मोहसिन खान को रख सकता हूँ, क्योंकि इनके पास लेफ्ट आर्म एंगल अवेलेबल है। लेफ्ट आर्म पेसर मेरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एंगल प्रोड्यूस करते हैं और सामने वाले को परेशान करते हैं लेफ्ट आर्म पेसर के। दोस्तों मैं मोहसिन खान की एक्चुअली एक बात बताना चाहूँ तो इकोनॉमी रेट इनके नोटिस करूँ सबसे कम है, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है। और दोस्तों मोहसिन खान ने इस आईपीएल के सीजन में लेफ्ट हैंड बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, ये बात ध्यान रखना। उनके अगेंस्ट इनकी इकोनॉमी रेट भी कम है और उनका विकेट भी बहुत बार लिया है। और मजे की बात यह कि सामने जो ओपनिंग प्लेयर है ना अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों लेफ्टी बैट्समैन है तो उनको टारगेट किया जा सकता है मोहसिन खान के द्वारा। मोहसिन खान दोनों ओपनर्स में से किसी ना एक का ना एक विकेट आई थिंक कि पावर प्ले के अंदर निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मोहसिन खान को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बस ऐसा है कि जब से ये इंजरी से वापस आए ना तब से अगर आप पिछले 3 मैच देखोगे तो 2 बार ये विकेट ले जा चुके हैं, इसलिए मैं अपनी स्मॉली की टीम में उठाने में थोड़ा सा झिझक रहा हूँ, लेकिन वो फाइनल पिच रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है मैं मोहसिन खान को अपनी टीम में उठा भी लूँ, ठीक है। ये बात हो जाती है दोस्तों दोनों टीम के जितने भी प्लेयर थे उनके जितने भी रिकॉर्ड थे उन सबके बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है इस मैच में दोस्तों, ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार के लिए अपना पूरा फोकस यहां पर रखना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं मयंक अग्रवाल की तो वैसे भी हम इस प्लेयर को अपनी स्मॉल की टीम में नहीं रखेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये किस किस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, एक तो क्रूणाल पांड्या के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, एक मार्कस स्टोनिस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। क्रूणाल पांड्या के अगेंस्ट एक्चुअली मैं स्ट्रगल नहीं बोलूंगा, 27 बॉल में उनके अगेंस्ट 51 रन इन्होंने बनाए हैं, काफी अच्छी स्ट्राइक रेट है लेकिन 2 बार अपना विकेट दिया है। और स्टोनिस के अगेंस्ट दोस्तों 21 बॉल में 32 रन बनाए हैं, लगभग 150 की स्ट्राइक रेट है लेकिन 2 बार अपना विकेट इनको भी दिया है, ठीक है। मयंक अग्रवाल को दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ वैसे तो ऑलरेडी ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग के लिए, एक बार वापस कर रहा हूँ, ट्राई कर सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड है, एक ईस्टर्न टर्नर है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में, है ना, जो कि पिछले मैच में खेले भी थे। आज वाले मैच में अगर क्विंटन डीकॉक को खिलाना है तो फिर टर्नर को बिठाना पड़ेगा, लेकिन जस्ट इन केस मान लो कि क्विंटन डीकॉक नहीं खेलते और टर्नर खेलते हैं तो टर्नर परेशान कर सकते हैं ट्रेविस हेड को। 13 बॉल में ऑलरेडी 2 बार उनका विकेट T20 फॉर्मेट में ले चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा अब्दुल समद है दोस्तों रवि बिश्नोई के अगेंस्ट, 13 बॉल में ओनली 16 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। दीपक हुड्डा है दोस्तों जयदेव उनाडकट के अगेंस्ट, 18 बॉल में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं। और मार्कस स्टोनिस है जयदेव उनाडकट के अगेंस्ट, 16 बॉल में ओनली 12 रन बनाए हैं, 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट हो जाती है और 2 बार अपना विकेट मार्कस स्टोनिस जयदेव उनाडकट को भी दे सकते हैं। बाकी हालांकि आज वाले मैच में उनाडकट के खेलने के चांसेस चूंकि कम है तो फिर इन दोनों के लिए बेनिफिशियल ये चीजें साबित हो सकती हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो भी मैंने आपको प्लेयर बैटल बताए हैं कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने दिमाग में रखना जब भी आप अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाओ चाहे से फिर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाओ, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार अब तक इस वीडियो में हम इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस कर चुके हैं, है ना। अब इस वीडियो में दोस्तों देखने के लिए सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वो है इस मैच की टीम। जैसा कि यार मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में हम इस मैच की एक टीम बना के देखेंगे तो वही प्रॉमिस दोस्तों मैं अपना पूरा कर रहा हूं। मैं आ जाता हूं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी आपको अपनी साइड में दिख पा रही होगी, है ना। इसमें दोस्तों मैंने अपना रियल 11 एप्लीकेशन ओपन कर लिया है क्योंकि इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे आपको एक दो ऐसी चीज़ें और बतानी है जो कि आपको लिटरली लाखों का प्रॉफिट करवा सकती हैं। बाकी दोस्तों टीम भी मैं आपको इसी एप्लीकेशन पर बना के दिखाऊंगा और सेम टीम अगर आप किसी और एप्लीकेशन पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। बाकी दोस्तों रियल 11 के फायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले जैसे आज वाला मैच है ये हैदराबाद और लखनऊ वाला, ये मैंने ओपन किया, ठीक है। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको 50,000 रुपए की ग्रैंड लीग दिखेगी, लेकिन यार 50,000 रुपए की ग्रैंड लीग तो हर एक एप्लीकेशन पे ही हो जाएगी, है ना। बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है दोस्तों एंट्री फीस नोटिस करो ओनली 3 रुपए है, है ना। तो जो लो एंट्री फीस की ग्रैंड लीग है ना वो आपको रियल 11 पे देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एंट्री फीस का आपको बताया ही है कि सबसे कम एंट्री फीस आपको रियल 11 पे ही देनी पड़ती है और किसी भी एप्लीकेशन से आप कंपेयर करके देख सकते हो, तो ये भी एक काफी बड़ा फायदा। और दोस्तों जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है ओपिनियन का, ऊपर राइट कॉर्नर में आपको ओपिनियन का ऑप्शन दिख पा रहा होगा। ये फीचर क्या है, रियल 11 ऐसा बोलता है कि यार देखो आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, टीम बना ली, मैच स्टार्ट हो गया, अब आप उसमें कुछ चेंजेस तो कर ही नहीं सकते, है ना। अब आप मैच देख रहे हो तो मैच देखते देखते आप रियल 11 पे आसान सवालों का जवाब दो, सिंपल यस या नो में आपको जवाब देना है और आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, जैसे कल वाले मैच में हमने कमाया था, है ना। और आज वाले मैच में भी दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि पहला ही सवाल है कि भाई हैदराबाद टू विन द T20 मैच वर्सेस लखनऊ, क्या हैदराबाद जीत पाएगी, अगर पहले बैटिंग करती है हैदराबाद तो यस कर देना, नहीं तो नो कर सकते हो, है ना। और नीचे आप आओ अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करो अपना इन्वेस्टमेंट और आपका रिटर्न जो है आपको नीचे दिख जाएगा, काफी अच्छा प्रॉफिट यहां से कमा सकते हो। और सिर्फ एक ही सवाल थोड़ी है, बहुत सारे सवाल है कि भाई जो भी टीम टॉस जीतेगी तो क्या टॉस जीत के वो पहले बैटिंग करने का डिसीजन ले सकती है, डेफिनेटली ले सकती है क्योंकि रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है ग्राउंड का, तो इसमें भी आप यस कर सकते
सकते हो। उसके अलावा दोस्तों नीचे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनमें आप लिटरली सिर्फ हाँ या ना में जवाब देके काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और दोस्तों टॉस होने के बाद यहाँ पर मैच स्टार्ट होने के बाद मैच की कंडीशन के हिसाब से और भी सवाल ऐड किए जाते हैं, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक रियल इलेवन डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लेना, गेम चेंजर चीज है, काफी अच्छा प्रॉफिट करवाएगी, ठीक है। रियल इलेवन की दोस्तों जो डाउनलोड लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखी है, उस लिंक पर क्लिक करो और फटाफट से डाउनलोड कर लो, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो हम अपनी टीम के बारे में, और टीम भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार वापस याद करवाना चाहूंगा कि भाई अपनी जो भी टीम इस वीडियो में बनेगी ध्यान रखना वो अपनी फाइनल टीम नहीं होगी, उसमें चेंजेज और अपडेट हो सकते हैं, और जो भी चेंजेज अपडेट होंगे वो करके अपनी जो फाइनल टीम होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपको अपनी साइड में दिख पा रहा होगा, है ना। फिलहाल में आप खुद देख सकते हो दोस्तों 1,85,000 से भी ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, है ना, और रेगुलरली फायदा उठा रहे हैं हमारी टीम्स और एनालिसिस का। ये देखो ना, ये कल वाले मैच के पर्सनल विनिंग के स्क्रीनशॉट हैं मेरे, है ना, ये 1.5 लाख से ऊपर की विनिंग है, आप खुद जाके देख सकते हो। परसों वाले मैच में भी की थी 1,40,000 से भी ऊपर की विनिंग रेगुलरली कर रहे हैं, है ना, और लाखों लोग जुड़ रखे हैं। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों, देखो यार हम अपनी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर सेक्शन से अब मैं आपको बता दूं, देखो एक तो जो अपनी टीम बनेगी वो हमने जो प्लेइंग 12 देखी है उसके हिसाब से बनेगी, दूसरी चीज जो पिच रिपोर्ट है 200 प्लस का स्कोर जा सकता है उस हिसाब से बनेगी, बाकी पिच रिपोर्ट अगर चेंज होकर आती है फाइनल पिच रिपोर्ट तो हम अपनी टीम में चेंजेस कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल में दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि मैक्सिमम बैट्समैन को अपनी टीम में उठाऊंगा, केएल राहुल हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, निकलस पूरन हो गए, और इवन क्विंटन डीकॉक को भी मैं अपनी टीम में उठाने का सोच रहा हूँ, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस एक चीज है कि उनको लेफ्ट आर्म पेसर परेशान कर सकते हैं, और सामने वाली टीम में एक नहीं दो नहीं तीन लेफ्ट आर्म पेसर है ना। बात करेंगे, पहले आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैं एक तो ट्रेविस हेड को कंफर्म उठाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ऊपर से देखो खेलने वालों में से मयंक अग्रवाल है, लेकिन उनको हम अपनी स्मॉली की टीम में ट्राई नहीं कर रहे, दीपक हुड्डा है इनको भी स्मॉली की टीम में ट्राई नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आज ग्लेन फ्लिप खेलते हैं तो ग्लेन फ्लिप को मैं अपनी टीम में ट्राई कर सकता हूँ, और उसके अलावा दोस्तों अभिषेक शर्मा है, ये आप लोगों के लिए स्मॉली के अच्छे चॉइस हो जाते हैं, लेकिन पिछले 3 मैच से रेगुलरली अभिषेक शर्मा फ्लोप हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, है ना। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, पहले आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों मैं मार्कस स्टोइनिस को अपनी टीम में उठा रहा हूँ, उसके अलावा कृणाल पांड्या है, इनका मैंने आपको बता दिया, तभी अपनी टीम में उठाना जब पिच रिपोर्ट में आता है स्पिनर को सपोर्ट है, अदरवाइज नहीं उठाने की जरूरत है। मार्को येंसन एक सेफ चॉइस आज वाले मैच में हो जाते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों नीचे आपके पास देखो और कौन सा ऑप्शन है, शहबाज अहमद अपनी स्मॉली की टीम में नहीं उठाएंगे, और नीतीश कुमार रेड्डी हैं जिनको आप डेफिनेटली अपनी स्मॉली की टीम में ट्राई कर सकते हो, एक सेफ चॉइस हो जाते हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, और मैं नीतीश कुमार रेड्डी को दोस्तों अपनी स्मॉली की टीम में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। पर पिछले वाले मैच में नहीं गया था, पिछले वाले मैच में ये फ्लॉप भी हो गया था, लेकिन आज वाले मैच में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फील है कि ये बंदा थोड़े बहुत पॉइंट आपको दे सकता है, ठीक है। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों मैं एक तो पेट कमिंस को अपनी टीम में उठा रहा हूँ, रवि बिश्नोई को ट्राई नहीं करूंगा, भूवी को हल्का सा रिस्क लेना हो तो डेफिनेटली अपनी टीम में उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों नवीन उल हक को मैं अपनी टीम में उठा रहा हूँ, टी नटराजन को अपनी टीम में उठा रहा हूँ, उसके अलावा दोस्तों उमरान मलिक, अमित मिश्रा किसी को भी नहीं, नीचे मयंक मार्कंडे नहीं खेलेंगे, यश ठाकुर को भी अपनी स्मॉली की टीम में नहीं उठा रहा, मोहसिन खान को दोस्तों जरूर हम अपने स्मॉली की टीम में ट्राई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया ना टॉस होने के बाद ये चीज मैं डिसाइड करूंगा, मोहसिन खान को थोड़ा सा जो है मैं सोच ही रहा हूँ अपनी टीम में उठाने का, लेकिन एक बार के लिए रहने देते हैं ना। उसके अलावा दोस्तों जयदेव उनाडकट है, खेलने के चांसेस कम है, बाकी नीचे से और कोई है नहीं, है ना। दोस्तों देखो 9 प्लेयर मैंने अपनी टीम में उठा लिया, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली हो सकता है, इसीलिए मैं जो बचे हुए 2 प्लेयर है ना वो बैट्समैन उठा रहा हूँ, हालांकि ध्यान रखना उनमें चेंजेस हो सकते हैं, उनमें से किसी को मैं ड्रॉप भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं क्या उठा रहा हूँ, अभिषेक शर्मा और क्विंटन डीकॉक, बिल्कुल आपने सही सोचा है, मैं मैक्सिमम बैट्समैन के साथ अपनी टीम में जा रहा हूँ, और ये वाली जो टीम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख पा रही है ये है अपनी दोस्तों वीडियो वाली टीम, लेकिन ध्यान रखना वापस बोल रहा हूँ इसमें चेंजेज हो सकते हैं, इसमें अपडेट हो सकते हैं पिच को देखते हुए कंडीशन को देखते हुए, है ना, और जो भी चेंजेस अपडेट होंगे वो आप लोगों के साथ में टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन किन्हीं 11 प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा जो है वीडियो पूरा ही हो गया लगभग, है ना, अगर आप में से किसी भाई ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ओनली 5,000 लाइक का ही तो लाइक टारगेट है यार, कंप्लीट कर ही दो वो तो, है ना। खैर कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर अगर सनराइजर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो ट्रेविस हेड एक अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, अदरवाइज फिर केएल राहुल और मार्कस स्टोइनिस अच्छे ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है, ये तो सेफ चॉइसेज में आ जाते हैं, बाकी हेनरिक क्लासन हो गए, है ना, ये कुछ रिस्की चॉइस हैं। बाकी दोस्तों देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के भी जो फाइनल चॉइसेज होंगे, कोई चेंजेस होंगे अपडेट होंगे वो करके, सीवीसी के भी जो फाइनल चॉइसेज होंगे वो मैं आप लोगों के साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर पाऊंगा। और तो बस ठीक है यार दोस्तों, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, रियल 11 आप डाउनलोड कर ही लोगे, इसकी डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।